सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे श्रोतियों नूं जी आयां नूं। पंजाब च आसमानी बिजली ने मचाई तबाही, होया मोदा टंड, छाया सोग। ताज़ा वधी खबर नूं शुरू करन तों पहलां जिन्हां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लैण ते वीडियो नूं वध तों वध लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो जिन्हां ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन च, उत्थे जाके तुसीं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। अक्सर कुदरती कहर नाल संबंधित कई घटनावां लगातार सामने आउंदियां रहिंदियां हन। पिछले कुछ समय तो यह घटनावां रुकन का नाम नहीं ले रही हाँ। कई बार इन घटनावां के पिछे कारण मनुख हो सकता है, क्योंकि मनुख के वलों जो कुदरत नाल लगातार छेड़छाड़ की जाती उस परिवर्तन कारण कुदरती आफत आउंदियां हन। जिवें पिछले समय विच हिमाचल प्रदेश विच कुदरती कहर देखा गया, पर कुछ घटनावां कुदरती तौर पर वापरदियां जिवें आसमानी बिजली डिगना जां तूफान आदि। इस तरह हुण कुदरत दे कहर नाल संबंधित दर्दनाक एक होर तेज़ मामला सामने आया। इस हादसे तो बाद पिंड विच हर पासे सोग दी लहर फैल गई। दरअसल यह ताज़ा मामला श्री मुक्तसर साहिब तो सामने आया है। दस दिए कि श्री मुक्तसर साहिब के नज़दीक पिंड वधाई विखे कुदरती कहर के कारण एक दर्दनाक हादसा वापर गया, जिथे इस पिंड दे विच एक लड़की की मौत अचानक आसमानी बिजली पैन करके हो गई। दस दईए कि मृतक लड़की की उम्र 15 साल दसती जा रही है। दस दिए कि इस संबंधी दस दौ मृतक लड़की के परिवारक मैंबर ने जानकारी साझी की है कि जो उन्होंने लड़की शाम के समय खेतों में हरा चारा लैन गई हुई सी, तो अचानक मीह पैन लग गया, जिसके चलते आसमानी बिजली तेजी से लिशक लग गई। अचानक आसमानी बिजली डिगी हुई, जिस कारण वह लड़की आसमानी बिजली डिगन कारण बुरी तरह झुलस गई। इस तो बाद उस लड़की की मौके पर मौत होगी। जानकारी अनुसार मृतक लड़की एक मध्य वर्गी गरीब परिवार से संबंधित सी। छोटी उम्र विच ही लड़की की इस तरह अचानक मौत होना परिवार गहरे सदमे च है। दूजे पास पिंड वासियों के वलों गहरा सोग प्रगटाया जा रहा है। खबर ला सकते देख लें, थोड़ा बहुत बहुत।